हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मूंग दाल के हलवा बनाने की विधि बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी मूंग दाल लिया है, उसको मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। उसका पानी पूरा निकाल के छन्नी से मैंने रख लिया है। एक कटोरी मैंने शक्कर लिया है और एक कटोरी मैंने शक्कर लिया है। दो चम्मच मैंने सूजी लिया है और दो चम्मच मैंने बेसन लिया है और एक कटोरी मैंने रिफाइंड तेल लिया है और थोड़ा सा मैंने कलर लिया है और इलायची पाउडर का मैंने चूड़ा बना लिया था, उसको भी मैं इसी में डालूंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम दाल को पीस के तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारी दाल पीस के बिल्कुल तैयार हो गई है। जैसे हमको चाहिए उसी तरह हमने पीस लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं किचन में। वहाँ हम गैस जलाएंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे कढ़ाई। तो मैंने गैस जला दिया, अब कढ़ाई रख दिया। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इसमें मैं तेल डालूंगी। जितना बराबर मात्रा में दाल है उतने हिसाब से पूरा उतना तेल हमको लेना है, उतने शक्कर लेना है। सब पूरा बराबर से रहेगा तो हमारा मूंग दाल का हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें सूजी डालूंगी। सूजी मैंने दो चम्मच लिया है, छोटे चम्मच से दो चम्मच है और बड़े से एक चम्मच है। तो इसको मैं डाल के थोड़ा सा भूंजूंगी। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दूंगी। ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा जो हलवा रहेगा वो दानेदार बनेगा और इससे कढ़ाई में नहीं चिपकेगा, इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। आप भी इसको ज़रूर डालना। अब हम इसको ऐसे डुलाते रहेंगे बराबर से करछुल की मदद से, ताकि ये हमारा कढ़ाई में नहीं जले, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अब जो पीसी हुई दाल है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे। तो हम चम्मच से ले लेते हैं, इसको पहले मिला देंगे, फिर जो बाकी का बचा रहेगा उसको हम बाद में फिर से मिलाएंगे। और तेल इसमें ज़्यादा ही डालना चाहिए, क्योंकि तेल ज़्यादा रहता है तभी हमारा हलवा एकदम अच्छा तैयार होता है, और तेल कम रहेगा तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो अब हम जो बची हुई दाल है उसको भी हम इसी में डाल के और फिर से भून के तैयार करते हैं इसको हम। तो देखिए, ये हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे और निकाल के हम इसको साइड में रख देंगे और यही कढ़ाई हम खाली करके इसी में हम इस सीरा बनाएंगे अपने हलवा के लिए। देखिए, पूरा निकल गया है हमारा, इसको साइड में रख देती हूँ। इसमें शक्कर डाल दूंगी कढ़ाई में, एक कटोरी शक्कर मैंने लिया है, इसको मैं इसी में डाल दूंगी। अब उतने ही पानी इसमें मैं डालूंगी। तो देखिए, पानी मैं डाल रही हूँ इसको। अब करछुल से इसको हम डुला देंगे ताकि हमारी शक्कर एकदम से गल जाए, और शक्कर गल जाएगी तब हम इसमें जो कुटी हुई इलायची रखे हैं उसको हम इसी में डाल देंगे और उसका कलर डाल देंगे। इससे हमारा फूड कलर से बहुत बढ़िया अच्छा से कलर देगा, बहुत अच्छा दिखेगा और खाने में तो टेस्टी लगेगा। तो देखिए, हम इसी में डाल दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। सीरा हमारा बन गया, तैयार हो गया है। अब इसमें हम जो बाकी का बचा है उसको भी हम इसी में डाल के और करछुल से मिला देंगे अच्छे से।
दोस्तों ये हलवा खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ठंड के मौसम में बना लीजिए, खाने में बहुत अच्छा रहता है। अब मूंग दाल तो हमारे सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। तो देखिए अब हमारा पेस्ट पूरा बन गया है जमने की कंटिस्टी में। तो अब हम इसको हाथ में थोड़ा सा लेके चेक करते हैं कि देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है कि नहीं। तो हो गया है दोस्तों, अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे और एक थाली लेंगे, उसी में हम इसको फैला देंगे। तो करछुल की मदद से हम इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे धीरे धीरे करके पूरी थाली में बराबर से, ताकि हमारी हलवा का पीस हम अच्छे से बना लें और चिपके नहीं। तो देखिए हमने फैला दिया है एकदम अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देते हैं और बादाम कटी हुई, और इसको ऐसे हम फैला देंगे, चिपका देंगे, ताकि ये निकले नहीं काटते समय, नहीं तो निकल सकता है। तो हम करछुल की मदद से इसको ऐसे पेट भी देंगे थोड़ा सा हल्के हाथे से, तो ये बराबर से चिपक जाएगा। अब हम चाकू की मदद से इसका पीस बना लेंगे, काट के पहले साइड का छुड़ा देंगे, फिर उसके बाद हम पीस बना लेंगे ऐसे। हम तो बर्फी के आकार दे रहे हैं, आपको जैसा कटिंग पसंद हो आप वैसे भी बना सकते हो। अब अगर घी से बनाना चाहते हो तो घी से भी बना सकते हो, लेकिन हम तो तेल से बनाए हैं भाई, आपको जो पसंद हो तो कर सकते हो। तो देखिए हमारा हलवा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। मैंने एक एक इंच की दूरी में निशान लगाया है करछुल की मदद से। अब हम इसको सर्व करने बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए। जब हमारा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली परिवार दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।